갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. हेलो दोस्तों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर. और ये मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है गंगा जी के किनारे. मैंने अब तक डेली ब्लॉगिंग नहीं की है अब अपने चैनल पर. मैं बस टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करती थी और मैं पहली बार आप लोगों को लेके आई हूँ गंगा जी के यहाँ. हम आए हैं विंध्याचल और मैंने सोचा कि इससे अच्छा पवित्र स्थान क्या हो सकता है किसी एक नए काम को करने के लिए. तो चलिए मैं पहले आपको गंगा जी को दिखाती हूँ, इसके बाद मैं आपको यहाँ विंध्याचल का सारा एक्सप्लोर करूँगी. आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा. ये देखिए हमारे सामने गंगा घाट दिख रहा है और कैसा दिख रहा है, बहुत 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 बढ़िया. वाओ ब्यूटीफुल. और विंध्याचल जो है धाम ये फिर से बन रहा है, इसका पुनर्निर्माण अच्छे से करवाया जा रहा है. और हम आपको स्थान भी दिखाएंगे जहाँ दुर्गा जी का स्थान है, वो बिल्कुल जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर बना है बिल्कुल उसी तरह उसी तर्ज पे उसको बनाया है. और ये रहा. और यहाँ गंगा जी में कुछ पंछी थे, ये यहाँ पानी में ऐसे तैर रहे थे, ये चुपचाप बैठ जा रहे हैं, पानी जैसे बह के जा रहा है साथ में बह के जा रहे हैं, फिर वापस आके उसी जगह पे बैठ रहे हैं. और ये नाय वाला क्या किया है, वहाँ से नाव को लेके गया है और ये पंछी वहाँ से उड़ गए. इसके बाद से ये नाव जहाँ भी जा रही है दौड़ा रहे हैं, नाव को बहुत परेशान कर रहे हैं. वो भी बता दे रहे हैं कि हम में ताकत बहुत है, हमसे पंगा नहीं लेना. अभी तो हमने गंगा माँ को प्रणाम किया है, हम अभी जब से कल से आए थे गंगा माँ का दर्शन नहीं हुआ था और दर्शन हमने कर लिया है. अब इसके बाद हम स्नान करेंगे, वो वीडियो आपको पूरा गंगा जी का बाद में दिखाएंगे. हमारा आ गया है हमारा भतीजा, इसका होना है मुंडन. मुंडन होना है और इनकी हम मुंडन करवाएंगे और इसके बाद इनको नहलाएंगे. देखो बाबू को देखो. आप लोग हमारे एक ब्लॉग में इनसे मिल चुके हैं जो काशी वाला ब्लॉग है और ये हमारे दूसरे ब्लॉग में है. हाँ अब इनका होगा फिलहाल मुंडन, फिर चलिए देखते हैं मुंडन. इतना कौन रोता है भाई. नहला दो जल्दी से, नहला के दो बाबू को, नहला के दो. गंगा स्नान हम लोगों का हो चुका है, बाबू हमारा सो गया है और इसके बाद हम लोग चलते हैं. हमारे यहाँ गंगा स्नान के बाद से कढ़ाई चढ़ाई जाती है और हम कढ़ाई चढ़ाते हैं. पहले पूड़ी और हलवा बनाएंगे, माता जी को भोग लगाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे. और हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए. और जो हमारे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे. थैंक यू.